आज हम इस तरीके की पेंसिल डेकोरेशंस बनाएंगे। इससे बच्चे अट्रैक्ट भी होते हैं और इससे पेंसिल भी बहुत सुंदर लगते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिएगा। हमें ग्लू चाहिएगी, थोड़ी सी यार्न चाहिएगी और एक पेंसिल चाहिएगी जिस पे आपको डेकोरेशन करनी है। तो इसे बनाने के लिए हमें अपने यार्न अपने हैंड पे लेनी है और इसे कम से कम 40 टाइम्स रोल करना है। अब हमने ये 40 टाइम्स रोल करके अपने हैंड पे से ऐसे करके हमें निकाल के रख लेना है। अब हम अपने यार्न में से एक छोटा सा पीस निकाल के कट कर। अब हमें इसको इसके ऊपर ऐसे बांधना है। हमें इसे ज़्यादा टाइट नहीं बांधना, हमें थोड़ा सा लूज बांधना है। तो हम इसे ऐसे बांध लेंगे इस तरीके से, बस इतना ही बांधना है। अब हम इसे सिजर्स की हेल्प से इसके अंदर ऐसे घुसाएंगे और इसे ऐसे कट कर लेंगे। सेम दूसरी साइड से करेंगे। अब हमने ये अच्छे से कट कर लिया है। अब हम अपनी पेंसिल लेंगे जिसमें हमें ये बनाना है। अब हम उसमें इस तरीके से इसे घुसा देंगे। हमने ये घुसा लिया है और फिर हम एक थ्रेड और काटेंगे और फिर उसे टाइटली बांधेंगे जिससे हमारी पेंसिल ना निकले उसमें से। अब हमने इस पे अच्छे से टाइटली यहाँ पे बांध दिया है। अब हम इसकी आईज और नोज बनाएंगे। तो उसके लिए हमें एक पेपर पे वो बनानी होगी। मैंने ये पहले से बना के रख रखी है, सो आप इसी तरह बना सकते। अब इन्हें ग्लू से हम इन्हें यहाँ चिपका इस तरीके से हम इन्हें यहाँ चिपका दें। तो मैंने ये इस पे इस तरीके से चिपका दिया है। आप इस तरीके से स्माइली भी बना सकते हैं एंड ऐसे छोटी सी पेंसिल पे भी बना सकते हैं। ये बहुत ही लिखते हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं एंड बहुत अट्रैक्टिव होती हैं बच्चों के लिए। जैसे कि आप इससे लिखोगे तो लिखते समय ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं और बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो।